फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ईमेल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिससे आप किसी भी मैसेज या फाइल्स को अपने क्लाइंट्स, कलीग्स या बॉस को भेज सकते हो। ज़्यादा तो ईमेल प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। वैसे तो ईमेल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आउटलुक और लाइव, याहू मेल, रेडिफ मेल या फिर अपनी कोई प्रोफेशनल ईमेल। हम आज बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेल, जो है जीमेल। चलिए जानते हैं जीमेल को कैसे और कब बनाया गया। जीमेल को पॉल बचेट नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया और ये एक 20% प्रोजेक्ट था। 20% मतलब गूगल ने अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज किया था कि अपना 20% टाइम साइड प्रोजेक्ट को दें। उसके बाद गूगल ने ईमेल सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के हॉटमेल पे ऑलरेडी 30 मिलियन यूजर थे और याहू पे 12 मिलियन यूजर्स। जीमेल को 2004 में लॉन्च किया गया था। जिस दिन अप्रैल फूल्स डे होता है, लोगों को लगा कि ये एक प्रैंक है, लेकिन जल्दी ही यूजर्स ने रियलाइज किया कि मेल रियल में है और ये ईमेल सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं। जीमेल स्टार्टिंग में 2012 तक अच्छा नहीं चला, बहुत ही हार्ड कंपटीशन की वजह से, और आज बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत एडवांस भी हो रहा है। जीमेल ऑफर कर रहा है ईमेल सर्च और 1 GB की स्टोरेज। अब भी काफ़ी सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और ये लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर बन रहा है। जीमेल को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था, जी सूट, जो कि गूगल का वर्कस्पेस है, और आज जीमेल के 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी जीमेल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।